आपकी 15 जुलाई की डायरी है, कंप्यूटर सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 32+33। चैप्टर का नेम है कंप्यूटर माउस, रीडिंग प्लस डिक्टेशन वर्ड्स, लर्न एंड राइट सी बुक ऑन नोटबुक। यह है आपका चैप्टर नंबर 4, कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस क्या होता है? एक ऐसा आला होता है जो कंप्यूटर के साथ एक छोटा सा लाइक माउस होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर काम करते वक्त। जो हमें एक छोटा सा एक एरो नज़र आता है, वो माउस के थ्रू हमें एरो नज़र आता है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं या कौन से ऑप्शन हमने ओपन की हुई है, किस तरह से हम क्लिक कर रहे हैं और किस चीज़ को क्लिक करने से हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन या कौन कौन से फाइल हमारे सामने आएंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर माउस एंड इट्स बटन्स। आपको कंप्यूटर माउस और इसके बटन्स की समझ आएगी। होल्ड द माउस प्रॉपरली, किस तरह से माउस को होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है। प्रैक्टिस सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक किस तरह से किया जाता है और कितनी दफ़ा कौन कौन सा बटन प्रेस करने से सिंगल क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में रीडिंग के बाद आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माउस। जब आप माउस के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करेंगे, उनके नाम लिखेंगे, तो फिर आपको इसको यूज़ करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अ कंप्यूटर माउस इज डिफरेंट फ्रॉम अ माउस फाउंड इन योर होम। जो घर पे एक माउस होता है और जो कंप्यूटर का माउस है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये देखें, ये दोनों माउस हैं, ये कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो घर में माउस होता है वो वाला होता है। अ कंप्यूटर माउस हेल्प्स टू मूव पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो ये माउस है, ये हेल्प करता है, जो छोटा सा पॉइंटर यानी एक एरो होता है वो स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसको मूव करने में हेल्प करता है। माउस पैड, माउस पैड एक छोटा सा, ये देखें इसके ऊपर माउस पड़ा हुआ है, छोटा सा एक कपड़े का बना हुआ होता है या फिर किसी भी चीज़ का आप ले लें स्टफ़ का, उसके ऊपर माउस रखा जाता है ताकि हम इजीली उसको मूव कर सकें। अदरवाइज़ जो माउस है वो आसानी से मूव नहीं करता, आपको जो एरो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ नज़र नहीं आता जब तक हम उसका माउस पैड यूज़ नहीं करते। माउस पैड से एक तो जो माउस होता है वो डस्ट फ्री रहता है, दूसरा हम उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। माउस बटन, माउस के बटन आप देख लें, माउस बटन होते हैं, टू बटन होते हैं इसके अंदर, या एक छोटी सी बॉल होती है, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे बटन होते हैं बड़े बड़े, और एक इसमें बॉल होती है, बॉल भी होती है और एक छोटा सा व्हील भी होता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, माउस पैड है ये जिसके ऊपर माउस रख के यूज़ किया जाता है, लेफ्ट माउस बटन, स्क्रॉलिंग व्हील, राइट माउस बटन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ होल्डिंग द माउस। माउस को किस तरह से आप पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जिस तरह से आप पेंसिल पकड़ते हो, पेंसिल आप पकड़ने के लिए अपना एक थंब यूज़ करते हैं, टू फिंगर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह माउस को पकड़ने के लिए भी आप अपने हैंड को किस तरह से यूज़ करते हैं उसका सारा तरीका बताया हुआ है। ये देखें, लेफ्ट और राइट हैंडेड जो बच्चे होते हैं उनका माउस पकड़ने का तरीका भी चेंज होता है। आप इस तरह से अपने माउस को पकड़ सकते हैं, आपको थंब एक इस तरह राइट वाली साइड पर रखना है, आपके जो फिंगर है उसको आपने राइट वाली साइड पर रखना है और दूसरी फिंगर को आपने लेफ्ट वाली साइड पर रखना है, और जो व्हील है उसको आपने कुछ नहीं करना, उसके ऊपर कोई फिंगर या थंब वगैरह नहीं रखना है। इस तरह से आप इसको होल्ड कर सकते हैं और फिर होल्ड करेंगे और इसको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। कलर द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल इट। ये आपने यहाँ से देखना है माउस को, और यहाँ पे जो इसके नेम लिखे हुए हैं जिस तरह से एज इट इज़ आपने इसको यहाँ पे लिखना है, और माउस को आपने कलर करना है। आप इसमें कलर चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, आप इसमें कलर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं चैप्टर नंबर 4 के, कंप्यूटर माउस। सबसे पहले लिखा हुआ पॉइंटर, एरो, ट्वाइस, कंसिस्ट एंड रिकॉर्डर, ठीक है, ये 5 वर्ड्स हैं, आपने ये याद करने हैं। अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिख लीजिएगा और इसकी रीडिंग अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको माउस और इसके बारे में सारी डिटेल्स में अच्छे से समझ में आ जाए।